सो हे गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माई चैनल झारखंड लैब। तो गाइज, अभी आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोग का एग्जाम को रिलेटेड एक अपडेट आया है। मतलब उसमें कुछ अपडेट नहीं है गाइज, यही बताया जा रहा है कि आप लोग एग्जाम का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं रिलीज हो पा रहा है और ना ही कुछ अपडेट्स आ पा रहे हैं। इसका मेन रीजन था गाइज नहीं होने का, वो था जैक बोर्ड में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होना। लेकिन अब तो वो चीज़ हो चुका है, उसके बावजूद भी परिस्थिति आप लोग की नहीं आ पा रही है। एंड गाइज, में बताया जा रहा था कि आप लोग का जो एग्जाम है वो मतलब अब तो दिसंबर में पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। मतलब आप लोग का बोर्ड एग्जाम अब दिसंबर में होगा नहीं, ना तो आप क्लास मैट्रिक और इंटर का मतलब क्लास 10th 12th का तो होगा ही नहीं, और क्लास 9th 10th 11th 8th का भी जो एग्जाम है गाइस उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि आप लोग का मान लो एग्जाम अगर डेट लेट होता है 10th 12th का, तो ऑब्वियसली 10th 12th के एग्जाम के बाद ही 9th 11th का एग्जाम होना है और 8th का जो भी है, ठीक है। तो उनका भी एग्जाम डेट फिर लेट हो जाएगा। सभी के एग्जाम डेट लेट हो जाने के बाद गाइस आप लोग का जो डेंजरस में आप लोग का फ्यूचर जा सकता है। बिकॉज यार, सभी स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन में, एक और कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रखा है कि आखिरकार हम लोग फर्स्ट टर्म का पढ़े या सेकंड टर्म का पढ़े, ठीक है। तो आप लोग से एक ही बात बोलूंगा, फिलहाल फर्स्ट टर्म का पढ़ो। सेकंड टर्म आप लोग का होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं, ठीक है। बिकॉज ओमिक्रॉन का कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रखा है, मतलब थोड़ा हो रहा है केसेस वगैरह। लेकिन आप लोग को उस चीज़ को नहीं सोचना है, एग्जाम होगा नहीं होगा ये तो बाद का छोड़ दो। पहले तो आप लोग फर्स्ट टर्म का एग्जाम का प्रिपरेशन कंप्लीट कर लो, एंड सेकंड टर्म का जो भी होता है वो आप लोग को अपडेट मिल जाएगा कि होगा या फिर नहीं। एंड फर्स्ट टर्म का एग्जाम खत्म हो जाने के बाद आप लोग सेकंड टर्म के एग्जाम्स का प्रिपरेशन करोगे। और हाँ, एक और बात आप लोग बता दूँ कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और जिसमें नॉन प्रैक्टिकल है जिसमें आप लोग का असाइनमेंट, इंटरनल असाइनमेंट वगैरह होगा, ठीक है। और जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसमें प्रैक्टिकल के थ्रू आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम होने के बाद आप लोगों को मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, जो भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उसमें प्रैक्टिकल होगा, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है उसमें इंटरनल असाइनमेंट्स वगैरह कुछ आप लोग को सबमिट करना होगा या फिर कुछ बनाने को आप लोग को स्कूल कॉलेज से मिल जाएगा, उसको सबमिट करोगे। उसके बाद आप लोग को आपका जो भी रिजल्ट वगैरह आप लोग का मतलब सॉरी प्रैक्टिकल का वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, मार्क्स वगैरह। तो गाइज, सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मैं एक चीज़ आप लोग को बोलना चाहूँगा, एंड जैक के ऑफिसर्स भी मैं बोलना चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी डेट्स को रिलीज़ कर दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स कम से कम फ्री हो जाए कि हाँ भाई अब डेट्स हमारे आ चुके हैं, उनको मतलब प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आप लेट करते हो तो बच्चे इसमें प्रॉब्लम पड़ सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे बोर्ड्स का बोर्ड एग्जाम हो चुका है, ठीक है, लाइक CBSE ICSE। तो अब बहुत सारे बच्चे तो अपने स्टेट में ही एडमिशन वगैरह कराते हैं, मान लो कोई स्टेट के बाहर जाता है वहाँ पे भी एग्ज़ाम हो जाते हैं, एंड उसके बाद उन लोग का आप रिजल्ट अगर जारी कर रहे हो और मान लो बाय द वे उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा आखिरकार? फिर अगर जब रिजल्ट दे देने के बाद जैक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि बच्चे का एडमिशन कराते वहाँ पे, जहाँ उनको मर्जी है वहाँ पे करा सकते हैं वो लोग, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या जैक ले सकते हैं? नहीं ले सकते, बिकॉज वो नहीं करा पाएंगे ना यार। यही सारी बात को सोचते हुए कि विद्यार्थियों को आगे भी पढ़ाई करनी होती है, केवल बोर्ड्स एग्जाम ही नहीं देना होता है उनको फ्यूचर में, मतलब अपने फ्यूचर में, मतलब जो भी उनका है एकेडमिक में, बोर्ड एग्जाम ही नहीं होता है उनको, और भी चीज़ों का एग्जाम देना पड़ता है। ताकि मतलब ये सारे चीज सोचते हुए जैक बोर्ड को इतना लेट नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम ये था कि जैक बोर्ड में अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं थे, अब तो हैं, अब आने के लगभग अब 1 से 2 वीक होने को चला है और अभी तक कोई भी आधिकारिक नहीं पुष्टि कर किया जा सका, मतलब कोई नोटिस नहीं आया है कि आखिरकार बोर्ड एग्जाम्स कब होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, कुछ भी नहीं। और जैक के अध्यक्ष ये भी दावा करते हैं कि मतलब जैक को बेटर बनाने का प्रयास करेंगे। अब पता नहीं जैक को कैसे बेटर बनाने का प्रयास करेंगे, जब डेट ही आप नहीं दे पा रहे हो तो फिर कैसे जैक को आप बेटर बना पाओगे? जैक स्टूडेंट जब परेशान है तो फिर कैसे मतलब हम आप पे ट्रस्ट करेंगे आप जैक को बेटर बनाओगे? तो सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप ये वीडियो आप देख रहे हो मेरी वीडियोस को, तो आप प्लीज़ विद्यार्थियों को आप कमेंट एक बार पढ़ना, ठीक है। कमेंट में बहुत सारे बच्चे क्या लिखे हुए हैं आप उसको जरूर से पढ़िएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको आप क्या मतलब डेट नहीं दे करके या फिर लेट करके आप मतलब हमारे बच्चों का सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। आप सोचो, जिन विद्यार्थियों का डेट 7 दिसंबर 9 दिसंबर से आया हुआ था, उन विद्यार्थियों का अभी कोई पता ही नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं है, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? आप ये चीज़ सोच करके देखो एक बार, कैसा मतलब उन विद्यार्थियों को लग रहा होगा। तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि विद्यार्थियों का डेट शीट वगैरह रिलीज कर दिया जाए ताकि विद्यार्थी फ्री हो जाएँ। और सारे विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग नीचे अपना कमेंट जरूर से कीजिएगा कि मतलब आप लोग क्या चाहते हो एंड क्या आप लोगों की थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में जरूर से बताना, ताकि अगर कोई वीडियो इस वीडियो को देख रहे हो, कोई ऑफिसर्स अगर देखेंगे इस वीडियो को, तो उनको कम से कम आपकी भावनाओं का पता चल पाए। क्योंकि
डेट तो आ नहीं रहे हैं, और ज़्यादा लेट करना भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि फिर सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम, सेकेंड टर्म का रिजल्ट, फिर फाइनल रिजल्ट, ये सारे चीज़ें प्रोसेस तो आपके ऊपर डिपेंड है। आप कितना फास्टली करोगे, क्या करोगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों के एडमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं, या फिर और कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। उन और भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स विद्यार्थी देते हैं, ना कि केवल बोर्ड्स एग्ज़ाम दे करके अपना पढ़ाई को स्टॉप करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको भी पता होगा, आप भी टीचर रह चुके हो, आप भी यूनिवर्सिटीज के टीचर रह चुके हो, जैक बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रह चुके हैं। सो प्लीज़ सर, आप लोग इन सभी का, विद्यार्थियों का यार मतलब डेट्स वगैरह रिलीज कर दीजिए, ताकि विद्यार्थी फ्री होकर के अपना पढ़ाई करें और उनका एग्ज़ाम टाइम पे हो। फिलहाल तो टाइम अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, कम से कम आप टाइमली तो उनको बता तो दोगे कि आखिरकार एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ है, नहीं है, सारी चीज़ें बता दो प्लीज़। एंड स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में ज़्यादा तो लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सारे स्टूडेंट्स और सभी लोगों तक कम से कम ये पहुंच पाए वीडियो कि मतलब प्रॉब्लम क्या है। एंड अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर से कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आप लोग का एग्जाम्स को लेकर के कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं रिलीज़ किया गया जैक की तरफ से, या फिर JCERT तरफ से, या फिर कहीं के भी तरफ से कोई भी रिलीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही है अपडेट कि आप लोग का डेट्स वगैरह रिलीज़ नहीं हुए हैं, ठीक है। और बोला गया था कि आप लोग का 20 तारीख में डेट शीट रिलीज़ किया जाएगा, वो भी नहीं आया हुआ है। 22 तारीख 21 तारीख हो गया है, फिर भी कुछ अपडेट नहीं है। सो आप लोग सोचते हो, समझ सकते हो कि हमारा जैक बोर्ड कितना अच्छा बोर्ड है, ठीक है। तो बस यही, इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे रखता हूँ यार गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।